वेलकम टू डिवाइन कुकिंग हाउस। आज की हमारी रेसिपी है थालीपीठ। ये महाराष्ट्र के एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। आई होप यू विल लाइक दिस रेसिपी एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थालीपीठ बनाने के लिए हम लेंगे आधा कप गेहूं का आटा, आधा कप बाजरे का आटा, आधा कप रागी का आटा, आधा कप राइस फ्लावर, आधा कप बेसन। अब एक प्याज लेंगे जिसको हम बारीक काट लेंगे। आटे में डालने के लिए हमने लिए हैं 5 तुरी लहसुन के, 1 इंच अदरक, 1 चम्मच अजवाइन और 1.5 चम्मच साबुत धनिया और 2 हरी मिर्च। इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। आटे में अब हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, पिसा हुआ मसाला, 1 चम्मच तिल, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 चम्मच घी। इसको आप पहले मिक्स कर लें। अब इसमें डालें थोड़ा थोड़ा पानी। आटा भी रेडी है। थालीपीठ बनाने के लिए आप चकले पे रख लें बटर पेपर, या फिर आप गीला कपड़ा भी ले सकते हैं। अब हम इसे बनाएंगे। अब पानी लगाते हुए इसे फैलाएं। बीच बीच में आप पानी लगाते रहें और इसे फैलाते रहें। अब ये हो गया। अब इसमें आप छेद कर लें 3। अब आप लगा लें इसमें तिल। अब हम थालीपीठ को सेकेंगे। उसके लिए आप नॉनस्टिक तवा ले लें और ये बटर पेपर के साथ आप इसमें डाल दें और इसे धीरे धीरे इसे निकाल लें। और ये जो छेद है इनमें आप ये घी डाल दें, थोड़ा सा साइड्स पे भी डाल दें और ढक्कन ढक के इसे सिकने दें आप। थालीपीठ अब एक साइड से सिक गई है। अब आप इसे टर्न करेंगे। इसे अब आप उस साइड से सिकने दें। थालीपीठ अब दूसरी साइड से भी सिक गई है, तो अब हम इसे उतार लेंगे। थालीपीठ अब रेडी है। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं दही, सफ़ेद मक्खन या अचार के साथ। इस डो में आपकी 6-7 थालीपीठ बन जाएंगे और डो आपने सॉफ्ट गूंदना है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम।